प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 दिन की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान वे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की मुलाकात प्रवासी भारतीयों के साथ डेलावेयर की वेलिंगटन में भी होगी। आपको बताएं कि ये क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का 6ठा शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी 21 सितंबर को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन अपने शहर में करेंगे। आपको ये भी बताएं कि क्वाड में 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका जैसे देश हैं। तो वहीं पर ये भी जानकारी आपको देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा ये कितना अहम माना जा रहा है। दरअसल इस दौरे में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की बात कही जा रही है। इस मुलाकात से कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद जती है। इनमें से एक समझौता IPF से भी जुड़ा। IPF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। इसके तहत भारत 2 और क्षेत्रों में यानी कि स्वच्छ और अर्थव्यवस्था के साथ साथ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। इसके अलावा भारत अमेरिका दवा क्षेत्र में भी सहयोग को लेकर समझौता हो सकता है। तो वहीं पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन जंग का मुद्दा भी उठा सकते हैं। ये मुद्दा क्वाड देशों की बैठक में उठने वाला है और आपको बताएं कि भारत ने अभी तक की शांति पहल का कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा। भारत सरकार का ये कहना है कि वो इस मामले को लेकर सीधे मध्यस्थता नहीं करेगा, जबकि विदेश सचिव ने ये कहा कि नेताओं के बीच बातचीत जारी है और किसी भी प्रस्ताव को आगे रखने के लिए हमें ये देखना होगा कि कितनी सहमति बनती है और क्या हम एक ऐसे चरण तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर एक प्रस्ताव को बड़े दर्शकों के सामने लाया जा सके। इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से देश और दुनिया को कितना फ़ायदा मिलता नज़र आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।